हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और वाक्यांश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो DSSSB, NVS, UPSC और बाकी के जनरल हिंदी एग्जाम्स में आते हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तब भी आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये शो कर रखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस एग्ज़ाम्स में आया है। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका संबंध संसार के विषयों से हो के लिए एक शब्द होगा। मतलब जिसका संबंध संसार में हो रही चीज़ों से हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सांसारिक वर्ड यूज़ करेंगे। तो वाक्यांश क्या होते हैं, यहाँ पे ये पूरी लाइन है जिसका संबंध संसार के विषयों से, बट अगर इस पूरी लाइन को हम सब्स्टिट्यूट करके ये वर्ड लिख दें सांसारिक, तो सेम ही मीनिंग है। तो सांसारिक बोलें या इस पूरी लाइन को बोलें, सेम मीनिंग है। तो वाक्यांश का मतलब है कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द। सर्वसाधारण से संबंधित, सर्वसाधारण से संबंधित को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसने प्रतिष्ठा पाली हो। तो ये आया है DSSSB 2018 TGT। इस तरीके से मैंने ब्रैकेट्स में कुछ के में लिखा है, कुछ के में मैंने मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। जिसने प्रतिष्ठा पाली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, लब्ध प्रतिष्ठ। अज्ञ का क्या अर्थ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ DSSSB TGT लिखा है, बट ये CTET, UPTET, UPSC कई जगह पूछा जा चुका है। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो आप बोलकर नहीं बता सकते, अपने शब्दों में नहीं बता सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, अव्यक्त। 7 दिनों की अवधि के लिए एक शब्द, ये सबको पता होगा कि 7 दिनों की अवधि के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है, सप्ताह। और 30 दिन की अवधि के लिए मास, और दैनिक दिन रिलेटेड है। ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो काम नहीं कर सकते या जो काम करने लायक नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, अकरणीय। अकरणीय जो कार्य करने के योग्य नहीं होता। शिशु से संबंधित के लिए एक शब्द होगा, शिशु से संबंधित एक शब्द है शैशव। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि शैशव का मीनिंग क्या होता है, तो शैशव का मतलब होता है शिशु से संबंधित, जो सबको समान भाव से देखता हो। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे क्या बोलते हैं, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है, समदर्शी। सम मतलब होता है समान और दर्शी मतलब होता है देखना। तो जो सबको समान भाव से देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी जो दूर की चीज़ों के बारे में सोच लेता है, सूक्ष्मदर्शी जो छोटी चीज़ों को देख लें। प्रश्न नंबर 10, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश के लिए एक शब्द लिखिए, मैं इसमें रेखांकित अंश बता देती हूँ आपको, बहुत मेहनत। तो जब बहुत मेहनत वर्ड आए तो क्या है, परिश्रमी। राकेश बहुत ही परिश्रमी लड़का है, तो हम इस पूरे के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर सकते थे, परिश्रमी, इसीलिए इन्हें वाक्यांश कहते हैं। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो इसमें हमें बताना है कि 4 शब्दों के तो उत्तर सही हैं, 3 शब्दों के उत्तर सही हैं, बट एक का गलत है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर झ आएगा, तो जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, ये सही है। जो बहुत बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं, तो हमारा उत्तर सेकंड है, तो ये हमारा आंसर है मितभाषी, क्योंकि मितभाषी उसे कहा जाता है जो कम बोले, तो मितभाषी हमारा ये उत्तर गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो सेकंड इज़ रॉन्ग। क्रम के अनुसार को क्या कहते हैं, यथाक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्मरण करने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, स्मरणीय। तेज़ चलने वाला, तेज़ चलने वाले को क्या बोलते हैं, द्रुतगामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी CTET में भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये UPSC में भी आया है, DSSSB में आया है, तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है वो UPSC के हैं, GIC है, जूनियर एडेड स्कूल्स हैं, DSSSB, PGT एग्ज़ाम्स हैं। तो ये जो वीडियो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, बेसिन, घाटी, उपत्यका या द्रोण। तो उपत्यका पर्वत की तलहटी को कहते हैं। जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं, तो जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। अग्रणी सबसे आगे रहने वाले को कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को बोलते हैं नेपथ्य। जिसकी आशा न की गई हो, तो जिसकी आशा न की गई हो उसका क्या उत्तर होगा, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या द्वीप। तो जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अप्रत्याशित। बिना प्रयास परिश्रम के, तो बिना प्रयास परिश्रम के इसके लिए एक शब्द क्या होगा,
बिना प्रयास परिश्रम के, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकस्मिक। आकस्मिक होता है अचानक से, अप्रत्याशित, अनायास या अचानक। तो अनायास होता है बिना प्रयास, प्रयास आ गया इसमें, और परिश्रम के। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, ये कुछ जो तीन चार शब्द हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। तो समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं वड़वाग्नि। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? वड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? ये सबको पता होगा, पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? जठराग्नि। ईश्वर को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ से एक टर्म और आता है आस्तिक। आस्तिक होता है ईश्वर को मानने वाला, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। नास्तिक होता है ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो नहीं मानने वाले के लिए नास्तिक, और मानने वाले के लिए आस्तिक, ईश्वर को मानने वाले के लिए आस्तिक। जिस दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। प्रश्न नंबर 21, विशंबर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर। तो वस्त्र ही वस्त्र जो हैं, दिशाएं ही उसके वस्त्र, वो किसके लिए यूज़ होते हैं? दिगंबर। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या बोलेंगे? बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी या बहुश्रुत या बहुदर्शी। तो बहुभाषाविद को बोलते हैं, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान जिसे हो उसे क्या बोलेंगे? बहुभाषाविद। प्रश्न नंबर 23, कमल से युक्त जलाशय, सरोवर इज नॉर्मल पॉन्ड। नॉर्मल जो जलाशय होता है वो सरोवर होता है, ठीक है? तो कमल से युक्त जलाशय को बोलेंगे पद्माकर। कमल से युक्त जलाशय क्या होगा? पद्माकर। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? हवन सामग्री ये नहीं होगा, क्योंकि हवन सामग्री में और बहुत सारी चीज़ें होती है, वन कास्ट, वन की लकड़ी, ठीक है? तो समिधा जो है उसका मतलब होता है हवन में जलाने वाली लकड़ी। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? सेठ, धनी, वैभवशाली या कुलीन। तो कुलीन को बोलते हैं, जिनका जन्म ऊँचे कुल में हुआ हो उन्हें कुलीन बोलते हैं। आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? तो ये जो क्वेश्चन आया है वो UPSC समीक्षा अधिकारी 2011 का क्वेश्चन है, बट ये DSSSP के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, NVS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शर्वरी, विभावरी, निशा या निशीत। तो आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? निशीत। युयुत्सु का अर्थ है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये CTET में भी आ चुका है एक बार। तो युयुत्सु का क्या अर्थ है? युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा करने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला या दूसरों को रुलाने वाला। तो ये टर्म भी आपने, जैसे अभी हमने ऊपर शैशव देखा, तो ऐसे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? युयुत्सु। अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है? एक पर्सन जो अच्छे और बुरे की जान पहचान रखता है, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि उसके अंदर विवेक है, ठीक है? मतलब वो चीज़ों को ध्यान से सोचता और परखता है। तो अच्छाई और बुराई को पहचानने वाले को क्या बोलते हैं? पहचानने के गुण को क्या बोलते हैं? विवेक। प्रश्न नंबर 29, मोक्ष की कामना करने वाला। तो मोक्ष की कामना अभी हमने लिखा, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं, और मोक्ष की कामना रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। तो मोक्ष की कामना रखने वाले को क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। आदि से अंत तक, जैसे शिव जी के लिए बोलते हैं आदि अनंत शिव, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है? दिगंत। तो शिव जी को दिगंत भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 पर्यायवाची ख़त्म होते हैं। अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से मैं हिंदी की सिर्फ MCQs डालूंगी जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सब में रेंज यही होगी 30-35 या 30-40। और इस चैनल पे मैं ऑलरेडी DSSSP TGT नेचुरल साइंस को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी, साथ ही DSSSP पेपर वन को कैसे क्रैक करें, ध्यान से सुने कि DSSSP पेपर वन को कैसे क्रैक करें वो बताया है। तो DSSSP पेपर वन या पार्ट वन को क्रैक कैसे करें वो मैंने बताया है इस चैनल पे, और पेपर टू सिर्फ TGT नेचुरल साइंस वो मैंने इस चैनल पे बताया है। वो वीडियोस आप देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने जनरल इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं अपने इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। Thanks for watching and subscribe this channel.